Good morning to all of you and welcome to the channel. The topic of today is the autonomic nervous system. What is the autonomic nervous system? As already you have studied, that the CNS, PNS, the part of the nervous system that is the central nervous system, peripheral nervous system, the third part of the nervous system that is the ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नो वॉट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम इसको बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने बताएंगे कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है देखिए ऑटो मीन्स सेल्फ जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपना काम करता है सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट सिस्टम विच फंक्शंस इनडिपेंडेंटली बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड विद द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली सेल्फ अपने आप हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ है अब देखिएगा सो फॉर दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने इसको ब्रीफ के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वन इज़ द सिंपेथैटिक सेकेंड इज द पैरासिम्पैथैटिक नाउ सो फॉर द सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम ये कैसा सिस्टम है दैट विच इफ वन इज स्टमुलेट्री द अदर फॉर एग्जाम्पल द पैरासिम्पेथैटिक इट इज़ इनहेबिट्री और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि अगर एक हमारा पार्ट किसी भी ऑर्गन को स्ट्यूमुलेट करता है स्टूमुलेट का मतलब प्रेरित करना एक्साइट करना तो दूसरा उसको इनहिबिट करेगा उसको रिड्यूस करेगा या उस एक्साइटमेंट को समाप्त करेगा देर फोर यह करेगा सो वी कैन से दैट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दिज सिंपैथेटिक

हमने यहाँ पर आपके सामने दिखाया है ऑर्गन द इफेक्ट ऑफ द सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम एंड द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट और दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर ग्लैंड इन आवर बॉडी लेटस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल हार्ट द सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिदम ऑफ दी हार्ट हमारे हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन और रिदम को ये इंक्रीज करता है अगर ये पार्ट ये इसको इंक्रीज करेगा ऑन द अदर हैंड साइड ऑटोमेटिकली द पैरासम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम विल डिक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिदम वो उस इंक्रीज पार्ट को डिक्रीज करके सो दैट द स्टेबिलिटी इन द बॉडी विल भी मैंटेंड इन दार्ट विल भी मैंटेंड सेकेंड द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन द ब्लड वैसल्स आप लोग देखते हैं कि ब्लड वैसल्स हमारी बॉडी के अंदर से द आर्ट्रीज द वज द फ्लो ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इट कॉन्ट्रैक्ट्स ये इसके हमारी ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है ऑन दी अदर हैंड साइड द पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन दी डायलेशन या उसको डायलेट करने का काम करता है अगर एक सिकुडन करेगा तो दूसरा उसमें फैलावट करेगा सो दैट दी बैलेंस विल बी मेंटेन्ड देन द थर्ड एग्जाम्पल वी हैव गिवन दी ब्रोंकाई द ब्रोंकाई दिस इज द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर लंग्स दैट द ब्रांकस डिवाइडज इंटू द ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स वो छोटे से छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट हैं और उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल है कि वो इन ब्रॉकियाई को इनको डायलेट करने का काम करता है इनमें फैलावट करने का काम करता है जबकि पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम उसमें कॉन्ट्रेक्शन करता है उसके अंदर सिकुड़न पैदा करता है इन दिस विद बोथ हैव दी इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्यूपिल प्यूपल ऑफ आई हम देखते हैं कि आई की प्यूपल जो कि ऑटोमेटिकली ही अपना काम करती है सी इफ वी गो इन द डार्क बहुत डार्कनेस में हम जाते हैं हमारी प्यूपल ऑटोमेटिकली डायट हो जाती है सो दैट द मैक्सिमम लाइट कैन एंटर इन आवर आई एंड वी कैन लुक द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज वी गो फ्रॉम द डार्क रूम टू द वेरी ब्राइटनेस से इन द सन लाइट ऑटोमेटिकली दैट डायलेटेड प्यूपल इट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर और उस पोजिशन पर आ जाएगी सो दैट द मिनिमम लाइट कैन एंटर इन आवर आई और इस तरीके से ये ऑटोमैटिकल बैलेंस करने का सिस्टम दिस इज परफॉर्म्ड बाय द सिंपथैटिक एंड द पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर

रिलैक्शन है देन कॉन्ट्रेक्शन है रिलैक्सेशन है देन कॉन्ट्रक्शन है इन दी स्पिंटर्स जो कि हमारे यूरीथ्रा के मसल्स प्रेजेंट हैं बाई दिस प्रोसेस इफ यूरिन वंस इट कम्स आउट इट कैन नॉट गो बैक पीछे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रोसेस सिंपैथैटिक और पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल बनाए रखते हैं रिलैक्सेशन का कॉन्ट्रेक्शन का रिलैक्सेशन का कॉन्ट्रेक्शन का द नेक्स्ट एग्जाम्पल द स्वीट ग्लैंड स्वीट ग्लैंड यू नो वेरी वेल पसीने की ग्लैंड पसीने की ग्रंथियाँ इन दी समर सीजन वेन वी सी दैट इफ़ वांस दी स्वेटिंग इट्सटार्ट कमिंग आउट अगर एक बार पसीना आना शुरू हो जाता है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम लोग टेम्परेचर या एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज नहीं करेंगे दैट मीन्स दी स्वीट ग्लैंड दीज आर दैरा सििम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीज द स्वेट ये पसीने को इनक्रीज करता है जबकि इसमें कोई कंट्रोलिंग सिस्टम प्रजेंट नहीं है दैट मीन्स नो पैरासिम्पैथैटिक नर्व फाइबर्स आर प्रजेंट पसीना अगर एक बार आना शुरू हो जाएगा तो वो रुकता नहीं है ऑटोमेटिक सिस्टम इज नॉट देयर टू कंट्रोल दि स्वेटिंग नेक्स्ट वेन वी सी दी स्लाइवरी ग्लैंड और द गैस्ट्रिक ग्लैंड द सिंपेथैटिक इट डिक्रीज दिक्रीशन हमारी लार ग्रंथियाँ और हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टामक में प्रेजेंट हैं ये उसको सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये उसको सिक्रीशन को डिक्रीज करता है सो फॉर द सििम्पथैटिक इट इंक्रीज ये उस सिक्रीशन को इनक्रीज करेगा स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सिक्रिशंस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी पेनक्रियाज वेन वी सी द पेनक्रियाज सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इट डिक्रीज द सिक्रीशन हमारा जो भी पेनक्रियाज का सिक्रीशन है मे बी दी पेनक्रिटिक एनजाइम्स मे बी दी हॉर्मोन्स ये उसको डिक्रीज करेगा सो फॉर द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इट इनक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम्स एज वेल एज दी हॉर्मोन इंसुलिन क्योंकि इंसुलिन और एंजाइम्स का सिक्रीशन करने से डायरेक्टली रिलेशन हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एंजाइम्स को भी इंक्रीज़ करेगा और इंसुलिन को भी इंक्रीज़ करेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू कंट्रोल दी शुगर देन इन केस ऑफ द लिवर जब हम लिवर में देखते हैं द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीज द शुगर लेवल ये शुगर लेवल को इनक्रीज करेगा और जब ये शुगर लेवल को इनक्रीज़ कर देगा ब्लड में तो अगर एक बार ये शुगर लेवल हमारे लिवर हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अनटिल अनलस वी डोंट टेक द प्रिकॉशंस क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी आइदर वी हैव टू टेक द मेडिसन्स और वी हैव टू कंट्रोल द स्वीटनिंग एजेंट्स मीठा हमें कम करना पड़ता है रीजन बिकॉज नो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट क्योंकि हमारे लिवर के अंदर नो पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट टू चेक दी इंक्रीज शुगर लेवल कि उसको ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर सकें ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट नहीं हैं इन दिस वे वी कैन से दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इन डिफरेंट ग्लैंड विच फॉर विच वी हैव गिवन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सिमिलरली ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता रहता है सिम्पेथैटिक पैरासिम्पेथैटिक इन ब्रीफ इफ वन इज स्टुलेट्री एंड अदर इज़ इनहिबिट्री सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थैंक यू वेरी मच